होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। सो गाइस, माय ऑल व्यूअर्स, माय ऑल सब्सक्राइबर्स, हैप्पी होली। लेकिन इस बार की होली तो फिलहाल होगी फीकी, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो होली है वो बैन कर दी गई है। तो अब हम जैसे पब्लिक प्लेस में होली मनाते थे, वैसे होली नहीं मना सकते। तो इस बार के जो रंग है, जो कलर्स है, वो भाई ब्लैक एंड वाइट हो चुके, यानी कि फीके हो चुके, क्योंकि जो होली है वो फीकी हो चुकी है। और फीकी होने की वजह से जो रंग बिरंगी, मतलब आपको पता है कि यार होली का जो त्यौहार होता है उसमें आप रंग बिरंगी जो कलर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, और कितने सारे कलर्स होते हैं, येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन, काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। और मतलब जगह जगह आप देखोगे, मोहल्ले जो सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे जगह जगह पे अलग अलग डिफरेंट कलर मतलब बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं रोड पे। तो काफ़ी मतलब खूबसूरत जो सिटीज़ है, जो स्टेट है, जो पूरा मतलब इंडिया है, वो खूबसूरत हो जाता है होली के त्यौहार से। लेकिन इस बार की जो होली है वो हो गई है फिलहाल फीकी, क्योंकि ये कोविड-19 ने वैसे भी हालत ख़राब कर दी, और इस बार की सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी है यार। तो इस बार की होली हो गई फीकी। और कहते हैं ना कि भाई होली है, भाई होली है, बुरा ना मानो होली, लेकिन इस बार बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि होली नहीं होगी तो भाई बुरे मानने की बात कहाँ पे होगी। तो कोई बात नहीं। और जहाँ जहाँ आपको पता है कि जहाँ जहाँ नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे तो नाइट में, मतलब आपको पता है कि आज होली है, तो होली में क्या होता है कि होली का दहन होता है शाम को, करीबन 7 बजे के आसपास से शुरू होता है होली का दहन। तो जहाँ जहाँ नाइट कर्फ्यू होगा वहाँ पे तो होली का दहन भी पता नहीं होगा का नहीं होगा। जो सोसाइटीज़ जो होती है वहाँ पे पता नहीं कुछ मेंबर्स इकट्ठे होकर अगर होली का दहन कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे भरूच में होली का दहन होने वाला, क्योंकि हमारे भरूच में नाइट कर्फ्यू नहीं है, तो हमारे यहाँ पे तो होली का दहन होगा। तो काम करते हैं अभी, तो फिलहाल क्या वक्त हो रहा है, रुको भाई अपने टाइम देख लेते हैं क्या वक्त हो रहा है। अभी हो रहा है 5:25। यार ये मैसेज कुछ ज़्यादा परेशान कर देते हैं भाई, इसको म्यूट कर देते। अभी हो रहा है 5:25। तो अभी तो फिलहाल मैं घर पर ही हूँ, थोड़ी देर बाद मम्मी के हाथ की चाय पी के निकलेंगे बाहर गेड़ी लगाने, और बाहर की जो चकाचौंध होगी, क्योंकि आपको पता है कि होली के लिए काफ़ी सारे मतलब जो पिचकारीज होती है, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होती है होली को लेकर, कलर्स होते हैं, गुलाल होते हैं, वो बाहर बिक रहा है, तो काफ़ी सारी चकाचौंध होगी सिटीज़ में, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और जहाँ पे होली का दहन भी हो रहा होगा वहाँ पे भी, वहाँ का भी थोड़ा सा व्यू आपको दिखाएंगे। और सोचूंगा अगर भूसा लेकर छोटी सी गेड़ी लगाऊंगा, उसके बाद शायद अगर होगा तो मैं एक अगर होगा, अभी मैंने फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया, लेकिन अगर होगा तो मैं एक ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पर होली का दहन होता है, और हमारी सोसाइटी में नहीं, किसी और जगह में जाऊंगा, और वहां पे शायद मैं पल्सर लेकर जाऊंगा, भूसा लेकर नहीं जाऊंगा। अब क्या होता है वो तो फिलहाल वीडियो में बने रहो, वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो हेलो मित्रों, दिस इज गौरव ठाकुर, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो जय माता जी, लेट्स रॉक। तो चलिए थोड़ी देर के बाद निकलते हैं और मिलते हैं आपको छोटी से ब्रेक के बाद। और भाई लोग, होली आ रही है, होली, लेकिन इस बार की होली भी फीकी होगी यार। ये कोरोना कब जाएगा यार, लाइफ में से हर चीज़ आती है चली जाती है, लेकिन ये कोरोना कब जाएगा। कहते थे चाइना का माल चला तो चांद तक और ना शाम तक, लेकिन कोरोना कब जाएगा भाई, लगता है ये चांद पे पहुंचा के ही मानेगा। क्योंकि यार होली आ रही थी और ये कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से जो होली है उस पर बैन लगा दिया गया है, तो इस बार की होली भी फीकी होगी। होली होली, यहाँ पे सारा होली का सामान मिल रहा है, मतलब पिचकारी, ये देखो भाई साहब, जहाँ भी आप नज़र घुमाओगे सारा होली का सामान मिल रहा है, कलर्स और गुलाल, यहाँ पे देखो पूरा सब। यार हमारे वक्त में तो क्या होली होती थी यार, मतलब बस पापा ने एक पिचकारी दिला दी, उसी से भाई पूरी होली खेल लेते थे। अभी तो भाई कितनी सारी चीज़ें उसमें भी आ चुकी है, मतलब प्रोडक्ट आप देख लो यार होली की, एक पिचकारी हाथ में होती है और पीछे
बैग में पानी होता है, मतलब पानी ख़त्म होने के झंझट ही नहीं रहते, ख़त्म तो होगा ही, लेकिन भाई जैसे हम पिचकारी ली, पानी निकाला, वापस से पानी लेने गए, फिर पिचकारी चलाई, फिर पानी ले गए, मतलब आधी होली तो भाई पानी लेने में ही निकल जाती थी लेकिन अभी देख लो यार, अभी तो होली खेलने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है ना। मतलब अभी की होली और पहले की होली में भाई काफ़ी फर्क है यार, सच में काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन पहले का वक्त की बात करूँ तो यार, पहले का जो वक्त है सच में वो कभी कभार बहुत याद आता है। तो चलिए अभी वक्त हो रहा है 7:03, यानी कि 7 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो फटाफट से पहुँचते हैं घर। गाइस बाहर तो मैं जाके आया हूँ और आपने देखा किस तरीके से बाहर चकाचौंध हो रखी है और काफ़ी सारे जैसे स्टॉल ही कह लो स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे पिचकारीज और काफ़ी सारे गुलाल रंग सब मिलते हैं। लेकिन यार उन लोगों का क्या जिनका मतलब इस बार होली की बैंड होने की वजह से उन लोगों का क्या जिन्होंने अभी स्टॉल लगा के रखे हैं, क्योंकि यार कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो बिकने ही नहीं वाला है। तो पता नहीं यार क्या होगा, किस तरीके से पूरी ये जो लाइफ है ज़िंदगी की मतलब हालत ख़राब हो चुकी है। तो चलिए वो सब तो बाद में बातें होती रहेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे वैसे तो आपको पता है कि जो होली का दहन है वो जगह जगह होता ही रहता है, सोसाइटी में होता रहता है, हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे भी होली का दहन तो होने ही वाला है। लेकिन मैं ऐसी जगह जाने वाला हूँ जहाँ पे मेरा बचपन भी था, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे हमारा जो हमारा पुराना घर भी है, तो वहाँ पे चलते हैं। लेकिन वहाँ पे मैं जाऊँगा हमारी पल्सर लेकर जो वहाँ पे खड़ी है, और भूसा को ढककर मैंने पैक कर दिया क्योंकि भाई यहाँ पे पवन की वजह से मिट्टी कुछ ज़्यादा ही उड़ती है तो ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसी की वजह से मैंने इसको ढककर भी पैक कर दिया। तो निकलते हैं और पहुँचते हैं जहाँ हमारा बचपन बिता है और अपना पुराना घर भी वहाँ पे है। चलो चलते हैं, आपको वहीं पर मिलेंगे। 2000 years later गाइस ये रहा हमारा पुराना घर। ये देख लो भाई, ये जो अभी जिसे आप GT फिल्म्स गौरव भाई के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे रहता था पहले। अभी भी भाई ये घर हमारा ही है, यहाँ पे पूरा जो मेरा बचपन है पूरा यहाँ पे निकला है, यहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, मतलब बहुत यादें हैं यार यहाँ से हमारी। गाइज आपने वो जो घर देखा उसकी दूसरी साइड, मतलब यहाँ से पूरा व्यू आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको जो पहले दिखा रहा था वो उधर साइड था, सामने की साइड, और ये रहा पूरा अपना घर देख लो। अभी क्या हालत हो चुकी है यार इसकी, हम यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली रहते थे, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी 3 सिस्टर, नाना नानी, वो भी क्या दिन थे यार। ये जो आगे चल रही है ये मेरे पापा ही है जिन्होंने ये जाड़ की जो टनी है जो डाली पकड़ी हुई है, ये मेरे पापा ही है। गाइस अभी आप ये जो देख रहे हैं जिनके हाथ में ये पेड़ की डाली है
ये मेरे पापा है गाइस। देखो गाइस, इसे कहते हैं होली। किस तरीके से जो होली का दहन हो रहा है और किस तरीके से जो आग की लपटें वो निकल रही है। मैं अभी काफ़ी दूर खड़ा हूँ, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, मतलब पूरा पसीना पसीना हो चुका है। मतलब इतनी गर्मी लग रही है कि मैं अभी वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मोबाइल भी गरम गरम हो जाता है, सब होता है। तो कैसा लगा आज का हमारा होली स्पेशल वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन उसको भी ऑन कर लेना, और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक ज़रूर कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यार इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है, और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी ज़रूर कर देना। और कैसा लगा आपको ये अपना होली स्पेशल वीडियो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज, मिलते हैं इसी तरह की बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी होली, बाय बाय।